2021 वर्ल्ड कप में नहीं मिला मौका, 2022 के मौके में भी नहीं मिला, एशिया कप 2023 में भी नहीं, और 2023 के वर्ल्ड कप में बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्या 17 मेंबर के स्क्वाड में तो जगह पा नहीं पाया युजवेंद्र चहल ने? फ्यूचर इंडियन कलर में क्या कब नज़र आएंगे एक्सक्लूसिव राइज? और यहाँ पर ये रिस्ट स्पिनर क्या ODI वर्ल्ड कप का साल में क्यों टीम से बाहर नज़र आया है? ये आपके सामने एशिया कप का स्क्वाड नज़र आया है। संजू सैमसंग सबका नाम यहाँ पर है, जहाँ पर वापसी भी कर लिया लेकिन इनका नाम नहीं। 2022 से ये चालू हुआ है और एशिया कप का स्क्वाड में जहाँ पर उन्होंने 4 विकेट चटकाया था पिछले साल 5 ODI मुकाबले में, और यहाँ 2022 के वर्ल्ड कप में भी नहीं मिला था जो T20I फॉर्मेट का था, जहाँ हाईएस्ट लीडिंग विकेट टेकर है। वर्स कंटिन्यूस ये आपके सामने रिकॉर्ड दिखाता है। और 2023 के अंदर कैसा पैच इनका चल रहा है, इंटीग्रल पार्ट होंगे, और जो जुलाई में वेस्ट इंडीज से निकला था वहाँ पर भी इनको बेंच में बैठाया था, जहाँ पर ड्रॉपिंग ये इजी कॉल नहीं रहा होगा। रोहित शर्मा ने क्या कहा ये आपके स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, उनका वर्डिक्ट उनके साथ और 17 प्लेयर का रिस्ट जो है, रिस्ट स्पिनर युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव को खिलाया, चहल को नहीं पिक कर पाया। 2 ODI कुलदीप यादव ने 11 आउट ऑफ 12 मैचेस 2023 में खेला है, और जहां पर युजवेंद्र चहल 2 खेल पाए हैं। अजीत आजरकर चीफ सेलेक्टर कुलदीप यादव और चहल के विषय में क्या कहते हैं, यहां पर अनाउंसमेंट ऑफ चहल्स एक्सक्लूसिव एक्सक्लूजन, यहां पर फॉर्मर्स क्रिकेटर और फैंस को जिंदा कर दिया। सुनील गावस्कर ने क्या कहा कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल के बारे में, इरफान पठान ने ट्विटर के माध्यम से कहा क्या ये आपके स्क्रीन पर एशिया कप को लेकर, युजवेंद्र चहल। हर्षा पोंगले ने एक्स ऐप ट्विटर से क्या कन्वे किया मैसेज ये आपके सामने, युजवेंद्र चहल और कुलदीप यादव के बारे में। 2019 वर्ल्ड कप जो इंग्लैंड में खेला गया था, चहल उसके लीडिंग विकेट टेकर नजर आए थे। अमंग स्पिनर्स साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 4 विकेट 51 रन देकर इनका ओपनिंग गेम में आया था, और 2023 के वर्ल्ड कप के राउंड में क्या इनका नाम आ सकता है भारत के लिए? ड्रॉपिंग चहल क्या एक राइट निर्णय है, आपको क्या लगता है ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।